आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अपने स्टेटस में जरूर इसे लगाएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 27, 30, 37, 50 वाट और 98। तो हम इसको अगर देखते हैं, अगर इसमें से हम इसको अंतर करेंगे तो ये कितने का अंतर हो रहा है, इसमें 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना प्लस 3 हो रहा है, फिर इसमें 30 में प्लस 7 करेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में फिर कितना जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, ये 13 जोड़ने पर क्या हो रहा है 50 हो रहा है। अब हमें 50 में कितना जोड़ना होगा कि वाट के जब पे आ जाए, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, यानी इसे प्राइम नहीं, अभाज्य संख्या लिया जा रहा है, वो भी क्या कर रहा है, अभाज्य संख्या कौन सा आता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 नहीं होता है 17 होता है। तो क्या लिया जा रहा है, 3 लेकर 5 को छोड़ दिया जा रहा है, फिर किसको लिया 7 लिया, 7 लेने के बाद क्या किया गया, 7 लेने के बाद 11 को छोड़ दिया गया, 11 छोड़ दिया गया 13 लिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा 13 लिया गया तो 17 छोड़ दिया जाएगा और किसको लिया जाएगा 19 को लिया जाएगा। नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी है 19, तो 50 में हम 19 जोड़ देंगे, 50 में 19 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 19 जोड़ेंगे कितना आएगा 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो उम्मीद है कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको समझ में आए, क्या क्या सबको इसमें से अंतर निकालें, अंतर कितने 3, 7, 13 और यहाँ पर क्या हो रहा है अभाज्य संख्या ले रहा है लेकिन एक छोड़ कर ले रहा है, 13 के बाद 17 आता है, 17 को छोड़ दिया गया 19 लेगा, तो 19 लेने पर कितना आएगा 69 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 37, 52, 74, 104, 143 और वाट पूछा जा रहा है, वाट के स्थान पर क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें अंतर ढूंढेंगे, अंतर ढूंढते इसमें 37 में से 52 का कितना का अंतर है, ये हो जाएगा 15 का, कितना 15 का, फिर 52 से 74 कितने का, कितना का हो रहा है ये 22 का हो रहा है, 22 का, फिर 74 में 104 कितने का हो रहा है 30 का, 30 का हो रहा है, फिर 104 में 143 का कितने का हो रहा है 39 का, 39 का अंतर हो रहा है। अभी हमें क्या हुआ यहाँ से भी सीरीज पता नहीं चल रही है, अब क्या करेंगे इसमें से इसको अंतर निकालेंगे, 15 से 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, फिर 22 में 30 करेंगे तो ये 8 का अंतर, 30 में 39 का करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का अंतर। तो क्या देख रहे हैं 7 में 1 जो बढ़ रहा है, 7 में 1, फिर 8 में 1, फिर 8 9 में कितना 1 करके, तो यहाँ कितने का हो जाएगा 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 10 में 39 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 में 143 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 192, कितना आ जाएगा 192, तो ये नंबर सीरीज यहाँ पर कितना आएगा 192 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 48, 51, 204, 209 और पूछ रहा है लास्ट में वाट के जब पे क्या होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं 24 में अगर 2 से गुना कर देते कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, फिर अगर इसमें 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या देख रहे हैं 204 में प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं पहले 2 से गुना फिर 3 जोड़ा गया, 4 से गुना 5 जोड़ा गया, यानी गुना किया गया फिर जोड़ा गया, फिर गुना फिर जोड़ा गया, तो आगे क्या होगा, आगे हमें कितना गुना करना होगा, गुना किसे करना होगा 2, 3, 4, 5, तो यहाँ करना होगा 6 से गुना करना होगा, 6 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 4, 0, 5, 6×12 यानी हो जाएगा 1254 हो जाएगा। तो वाट के जब क्या आएगा यहाँ पर 1254 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए में दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आए, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 215, 231, 256, 292 और वाट के जब पे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो हम अगर इसका अंतर निकालें, इसका अंतर 215 में से 231 का अंतर निकालेंगे कितने का आ रहा है प्लस 16 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 16 हो रहा है, फिर यहाँ 231 से 256 का देखेंगे तो कितना हो रहा है प्लस 25 हो रहा है, प्लस 25 हो रहा है,
फिर 256 से 292 का अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, प्लस 36 का हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस 36 का हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, ये किसका 4 का स्क्वायर है, ये किसका 5 का स्क्वायर है, ये किसका हो रहा है 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे हमको कितना जोड़ना होगा, यानी 7 का स्क्वायर जोड़ना होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 49 में 292 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 292 जोड़ेंगे 9 2 11, 9 4 13 और 1 14 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी वाट के जब भी क्या आएगा 2 341 हो जाएगा। तो 341 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, यानी बी में दिया गया, बी में दिया गया 341, 341 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 20 80 85 वाट 517। तो इसमें हमें क्या करना है, सीरीज पहले ढूंढना। तो सीरीज हम इस 17 में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 से 80 कैसे होगा, 20 से 80 ये हो गया गुना करने पर, तो 4 से गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, फिर 80 से ये 85 कैसे हुआ, प्लस 5 करने पर, प्लस 5 करने पर। तो फिर यहाँ हमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए प्लस 3 किया गया, फिर 4 से गुना किया गया, फिर प्लस 5 किया गया, तो यहाँ क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो किससे करना होगा, 6 से करना होगा, 3 4 5 6, 6 से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर गुना करना होगा। तो 85 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 6 30 और 8 5 8 6 48 और 3 51 हो जाएगा। तो वाट की जगह क्या होगा, 510 आ जाएगा। तो यहाँ पर 510 आएगा और फिर इसमें कितना हमें जोड़ना होगा, प्लस 7 करेंगे तो यही हो जाएगा 517। तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो रहा है। तो वाट की जगह क्या आ जाएगा, 510 आ जाएगा, वाट की जगह क्या आएगा, 510, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 121 169 225 289 और वाट, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे वाट के जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे ये क्या पैटर्न है। तो ये हम 121 क्या देख रहे हैं, 121 ये किसका 11 का स्क्वायर हो रहा है, 169 किसका 13 का स्क्वायर, 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, 289 ये किसका है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ हो रहा है 11 13 15 17, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लिया हुआ है ऑड नंबर लिया जा रहा है, विषम संख्या लेकर स्क्वायर किया गया। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है 361। तो वाट के जब भी क्या आ जाएगा, 361 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप और स्टेटस में जरूर लगाया करें, ताकि आपके दोस्त को भी बेनिफिट मिल सके और उन्हें भी एग्जाम की तैयारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।